आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के पीरागढ़ी चौक इलाके के पास एक गोदाम में आग लग गई है। आग इतनी ज़्यादा भीषण लगी हुई है कि इसको बुझाने के लिए मौके पर 15 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और इस आग को काबू करने की कोशिश कर रही है। इस आग को काबू करने के लिए पूरी मशक्क़त कर रही है, लेकिन ये आग जो है वो काबू में नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री जो गोदाउन है, ये बैटरी गोदाउन बताया जा रहा है, और इसमें अचानक से आग लग गई है। और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इसमें आग लगने के पीछे का कारण है क्या, लेकिन इसमें आग लगने के बाद जल्द से जल्द जो है दमकल को इसके बारे में बताया गया, वहाँ पे इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर आग की भीषणता को देखते हुए 15 दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई और उसके बाद इस आग को काबू करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। इसी दौरान आपको बता दें कि बिल्डिंग में एक बार फिर से बड़ा जोर का धमाका भी हुआ और धमाके के बाद जो है इसकी इमारत ढहती हुई भी नजर आई। तो आइए नजर डालते हैं घटनास्थल से आ रही कुछ तस्वीरों पर भी। तो जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से अब यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस भीषण आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने तो नहीं आई है। आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ पर आग लगी, उसके बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और दमकल की गाड़ियाँ जो मौके पर पहुँच कर अपना अभियान शुरू ही कर रही थी, उसी दौरान एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद ये इमारत ढह जाती है। जिसके बावजूद इस आग को कंट्रोल करने के लिए जो है काफ़ी भारी मशक्कत इन दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ रही है कि आग काबू कर लिया जाए, और इसके साथ ही ये भी पता चल पाए कि आखिर इसके अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो है वहाँ पर धुएं का गुब्बारा जो है बन चुका है, और इसके साथ ही ये आग और ज़्यादा ना फैले इसको लेकर आसपास के जो घर और इलाके के और जो जगह है उन्हें खाली भी कराया जा रहा है और लोगों को थोड़ा दूर भेजा जा रहा है, ताकि अगर ये आग फैलती भी है तो इसमें लोगों के हताहत होने के कम संभावनाएँ रह जाए। ऐसे में यहाँ पर जो है पूरे तरीके से अभियान चलाया जा रहा है ताकि इसको जल्द से जल्द जो है इस आग को काबू में कर दिया जाए और लोगों का जो नुकसान है उसे होने से बचाया जा सके। इस आग के पीछे जो है कारण क्या है, यह आग कैसे लग गई, अचानक यह आग कैसे लगी है, अंदर कितने लोग फंसे हैं, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और इसका खुलासा वक्त के साथ ही हो पाएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है सबसे बड़ी चुनौती इस आग को बुझाना है। इसके ऊपर जो है काम के लिए लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा दिया जाए। आपको बता दें कि इस आग के लगते ही जब यह आग के बड़े बड़े लपटे निकलते हुए देखी गई, उसके बाद ही लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है और अब कितने देर में इस आग पर काबू पाया जाएगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, और साथ ही जब इसकी जांच की जाएगी तो ही पता चल पाएगा कि आखिर इस बैटरी की फैक्ट्री में आग लगने के पीछे का कारण क्या है। क्या इसमें बैटरी की जो फैक्ट्री है इसमें आग अपने आप लग गई या फिर इसमें आग लगा गई है, ये भी वक्त के साथ ही खुलासा इसका हो पाएगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।